हेलो, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? आज हम यहाँ पे एक हैंगिंग कैंडल होल्डर बनाएंगे, एकदम सिंपल तरीके से और इजी स्टेप्स के साथ। उसके लिए हमें चाहिए कटर, पेन, ये सीजर है, स्केल है, ग्लू, ये सुई है, ये बड़ी वाली सुई ली है मैंने यहाँ पे, और ये वूल का धागा, और ये बीड से, ये देखिए ये वाइट वाले बड़ी साइज़ के और ये गोल्डन वाले बीड्स इस तरह के। और हमें चाहिए इस तरह का, ये गोल्डन कलर का पेपर। यहाँ पे मैंने पैकिंग पेपर लिया है, ये लेस गोल्डन वाली, और ये देखिए इमिटेशन कैंडल्स है यहाँ पे, और ये पॉम पॉम लिए हैं यहाँ पे इस तरह के। अगर आपको पॉम पॉम बनाना नहीं आता है तो मेरी ये वाली वीडियो ये ऊपर दिखेगी, वो ज़रूर देखिए। और ये देखिए ऐसी वाली डिब्बियाँ चाहिए हमें, अचार की वगैरह रहती है इस तरह की, ये वाली। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पे ये इस तरह का इसका ढक्कन निकाल के लेंगे, और यहाँ पे हमें इसको, ये देखिए यहाँ पे मैंने 5 सेंटीमीटर तक मार्क करके लिया है इस तरह से। इस तरह से नीचे से ऊपर तक उसको मार्क करना है, और यहाँ पे उसको, ये देखिए ये जो मार्क किए हैं हमने, उसके ऊपर हमें लाइन बना के देनी है इस तरह से। और इसको हमें यहाँ से कट करना है, ये देखिए इस तरह से इसको हम ये कटर के साथ आप आहिस्ता से और सावधानी से काम करना है। इस तरह से उसको हमें कट करना है, देखिए इस तरह बनेगी। अगर इसके आगे भी थोड़ा ऊपर नीचे हो तो आप कैंची किसे उसको ठीक कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हम ये गोल्डन पेपर लेके इसका कट करके लेंगे, ये देखिए इस तरह से। इसके ऊपर हमें 6 सेंटीमीटर का मार्क करके लेना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक, यहाँ पे लाइन बना के लेंगे और इसे कट करेंगे। इस तरह से इसके अभी हमें छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, ये देखिए इस तरह की पट्टियाँ निकालनी है छोटी छोटी इस तरह की पट्टी निकाल के लेनी है। इस तरह ये बनेगी। यहाँ पे हम ये डिबिया कट किए हैं वो लेंगे, ये देखिए ये बड़ी वाली पट्टी भी मैंने एक निकाल के रखी है। ये देखिए यहाँ पे हमें ग्लू लगाना है क्रॉस में, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से क्रॉस में ग्लू लगा के इसके ऊपर जो स्ट्रिप्स हमने निकाली है उसे लगाना है क्रॉस में इसी तरह से। ये देखिए ऐसे क्रॉस में हमें लगा के लेनी है पट्टी, ये देखिए ये इस तरह से बनेगी। अभी हम यहाँ पे ये देखिए इसके ऊपर ग्लू लगाना है, थोड़ा लगाना है, और ये देखिए ये इसको हमें यहाँ पे यहाँ के यहाँ से ऊपर कैसे क्रॉस में
कि बीच की लाइन छोड़ के यहाँ पे इस तरह से इसको स्टिक करना है। ये देखिए इसको लगा के दीजिए अभी, और ये देखिए एक छोड़ के यहाँ पे, यहाँ के ये थर्ड लाइन पे उसको स्टिक करना है क्रॉस में ही। इसी तरह से हमें पूरे इसमें बना के लेना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हम ये इस तरह, ये देखिए एक पैटर्न बनेगा ऐसा डिजाइन का इस तरह से। ये देखिए ऐसे इस तरह बनेगा। अभी यहाँ पे यहाँ ऊपर की साइड में ग्लू लगा के लेना है, और ये जो हमने लंबी वाली पट्टी काट के ली है, देखिए स्ट्रिप्स ली है, उसको यहाँ पे हम स्टिक करके लेंगे। देखिए ये इस तरह बनेगा, इस तरह से ऐसे। अभी यहाँ नीचे में यहाँ पे ग्लू लगा के हमें ये लेस लगानी है, इसको साइज की कट करके लेंगे। यहाँ पे हम ग्लू लगा के देखिए इस तरह से उसको थोड़ी ऊपरी साइड में स्टिक करना है। ये इस तरह बनेगी। यहाँ पे सुई धागा लेके इस तरह से देखिए यहाँ पे हम उसको ये गोल्डन वाले चार मोती डालेंगे इस तरह से। ये देखिए ये चार हो गए। भी यहाँ पे हम एक पॉम पॉम लगाएंगे, और इसके ऊपर एक व्हाइट वाला इस तरह से भी ये दूसरा लगाएंगे पॉम पॉम। आप जो चाहे कलर के ले सकते हैं इस तरह से। ये देखिए एक वाइट मोती डालना है, बेड्स डालना है, और उसके ऊपर हमें पॉम पॉम आप जितना लंबा चाहे उतने पॉम पॉम आप उसमें लगा के लीजिए। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से हमें एक वाइट बेड्स और पॉम पॉम ऐसे लगा के लेना है इस तरह हमें। ये देखिए अभी ये यहाँ पे लास्ट का लगा के इसके ऊपर, ये देखिए यहाँ पे ये और एक लगाएंगे हम। अभी ये लास्ट के ऊपर हमें फिर से ये गोल्डन वाले मोती लगाने हैं। यहाँ पे ये गोल्डन वाले लगा के लेंगे। यहाँ पे भी चार लगा रही हूँ मैं। ये देखिए इस तरह से ये बना के इसको हम साइड में रखेंगे। इसको रख के यहाँ पे हमें ये लेंगे, इसे सूखने दीजिए। सूखने के बाद इसको लेके यहाँ पे उसको, ये देखिए यहाँ एक वे और उसके सामने के साइड में, ये देखिए उसी लाइन में उस हमें दोनों साइड में होल करके लेना है इस तरह से। ये देखिए ये दूसरी वाली साइड में भी हमें होल करना है
इस तरह। यहाँ पे हम ये धागा लेंगे सुई में और उसको नॉट लगाएंगे। और ये देखिए अंदर की साइड से हमें सुई बाहर निकालनी है इस तरह। अभी यहाँ पे ये गोल्डन मोती लगा के लेंगे, ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे उसको हैंग करने के लिए ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे मैंने 20 लगा लिए हैं। अब यहाँ पे ये मोती लगा के इस तरह से हमें जो सुई है फिर से बाहर की साइड से अंदर निकाल के लेनी है इस तरह से। यहाँ पे अंदर की साइड में हमें नॉट लगा के लेनी है। यहाँ पे इस तरह नॉट लगा के लेंगे, यहाँ पे धागा काटेंगे। ये देखिए ऐसे बनेगा इस तरह से। ये ऐसे इस तरह से यहाँ पे उसके बीच में हमें ये जो हमने पॉम पॉम की माला बनाई है उसको ये देखिए ये सेंटर में उसके ये देखिए ये 10 यहाँ 20 लगाए हैं मैंने, तो ये 10 डिवाइड करके उसके बीच में ये देखिए इसको नॉट लगा के लेनी है इस तरह से। ये वाला धागा काटेंगे और ये देखिए इसको आप ठीक करके लीजिए। ये जो पोम पोम ऊपर नीचे हुए हैं सब इस तरह से, ये ऐसे बनेगा। देखिए यहाँ पे हैंगिंग के लिए नॉट लगा लीजिए। इस तरह ये जो धागा है इसको काट के लेना है। यहाँ पे ये इमिटेशन कैंडल ऐसे ये देखिए ऐसे दिखेगा। यहाँ से इस तरह के मैंने 2 बना लिए हैं। ये देखिए एकदम आसानी से हैंगिंग कैंडल होल्डर तैयार हो गया है। देखिए किस तरह से दिख रहा है, कैसा लग रहा है आपको? आसानी से बनने वाला हैंगिंग कैंडल होल्डर।